तो यहाँ पे मैं एक फोर व्हीलर का छोटा सा लेआउट ले रहा हूँ। एक कार को देख के हम इस एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हमारा अलग अलग कंपोनेंट जो थे ना ट्रांसमिशन सिस्टम के, जब कहां से शुरू हो जाता है ट्रांसमिशन सिस्टम, अपना इंजन से शुरू हो जाता है, इंजन क्लच, फिर क्या आ जाता है अपना इंजन के जस्ट बाद फ्लाई व्हील था, फिर क्लच आ गया, फिर गियरबॉक्स आ गया, फिर ये पूरी की पूरी श्रृंखला व्हील्स तक जाएगी। तो हम एक बार के लिए देखते हैं और एक एक कंपोनेंट को पकड़ के वो कैसे काम करता है उसकी वर्किंग देखने की कोशिश करेंगे। तो सुबह यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, एक फोर व्हीलर दिख रही है। अब देखो ये फोर व्हीलर दिख रही है, अब मैं सीधा पहुंच गया, ये मैंने ये ऊपर क्या था, बॉडी बॉडी था, इस बॉडी को मैं हटा रहा हूं एक बार के लिए। देखो अब कहां आ गया मैं, ये गियर दिख रहा है। अब गियर के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ पेडल्स भी दिखते हैं। पहला पैडल कौन सा होता है, क्लच होता है, और दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, एक्सीलरेटर, ठीक है ना। तो पहला वाला क्या होता है, क्लच। तो यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर आया हूँ, थोड़ा सा चेंजेस मतलब फ्रेम के अदर आया हूँ कार में, ये गियर दिख रहे हैं। ये गियर खांचे अलग अलग हो सकते हैं, किसी में पांचों गियर ऐसे डलता है, किसी में ये थोड़ा सा टाइप अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई खासा लॉजिक नहीं है, बता देंगे। अब उसने क्या है, क्लच प्रेस किया, फिर गियर चेंज कर रहा है, दिख रहा है ये क्लच प्रेस कर रहा है। तो आवश्यकता क्यों पड़ी हमें क्लच प्रेस करने की, इसका कारण समझने के लिए हम आ चुके हैं। अब मैंने पूरी हटा दी सीट वगैरह, अब मैं मैकेनिज्म पे आएंगे। ये क्लच है, अब क्लच के बाद ये इधर पहिए इंजन घूमते हुए आपको सब नजर आ रही है, असेंबली नजर आ रही है। ये असेंबली जब मैकेनिक काम करता है तो आपको नहीं दिखती है, काफी इसमें कवरिंग रहती है, ठीक है ना। लेकिन उनको अगर मैं कवर वगैरह को हटा दूं, रास्ते में देख के चीजें फंक्शन कर रही है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं उन्हीं को प्रदर्शित करते हुए आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं शुरुआत करता हूं यहां से, ये जो आपको ये लाल लाल घूमता हुआ दिख रहा है ना, इधर घूम रहा है लाल लाल, है ना, ये फ्लाई व्हील नहीं है, ये क्लच है, फ्लाई व्हील इसके अंदर है, ठीक है ना। उसके कहीं इंजन आगे है, फिर क्लच के बाद ये आ जाता है मेरा गियर बॉक्स। अब ये गियर बॉक्स में गियर बदलने के लिए गियर जो लीवर होता है, ये हमको ऊपर दिखता है, ये तो सब पैक हो जाते हैं, दिख रहा है लीवर ऊपर, ये कैसे काम करता है, जब हम गियर बॉक्स की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। अभी ये बदल रहा है ना गियर्स, ये कैसे बदल रहा है, वो एक एक कंपोनेंट को पढ़ते हुए जब चलेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल हम आ जाते हैं हमारे किस पर, क्लच पर। अब देखो ये है इंजन, अब ये इंजन में ऐसे मत बोलना कि सर ये तो बहुत सारे हैं, आपने तो एक ही पढ़ाया था। अगर मैं एक ही शाफ्ट पर कई सारे इंजन लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी सिलेंडर इंजन हो जाएंगे। सीधी सी बात क्या है कि शाफ्ट चल रही है इंजन वाली, तो मेरे को आउटपुट मिल गया, उस आउटपुट को मैं एक्सेस पावर को कहीं स्टोर कर लेता हूँ, फ्लाई व्हील। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है मेरा, फ्लाई व्हील, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब फ्लाई व्हील के बाद मैंने बोला था कि क्लच जो शाफ्ट होती है इससे एंगेज रहती है, एंगेज रहती है मतलब चिपकी हुई रहती है। दोनों शाफ्ट अलग अलग है, लेकिन अगर इनको चिपका दूंगा, अब चिपका दूंगा तो ये घूमेगी तो ये भी घूमेगी, स्वाभाविक ही घूमेगी। अब इस पर लोड है, इसको गाड़ी चलानी, इसको पहिए घुमाने, तो इस पर लोड है, है ना। अब ये लोड वाली फटाफट आराम से तो नहीं घूमेगी, इसको इसको घुमाना है, तो अगर ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा और ये नहीं घूमेगी तो ये फिसल सकती है, फिसल सकती। मतलब हमको ये एंश्योर करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि इसके साथ ये घूमे, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें फ्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, फ्रिक्शन सरफेस लगाना पड़ेगा, ताकि घर्षण रहे कि ये घूमे घूमे, फिसले नहीं, फ्रिक्शन सरफेस लगाना पड़ेगा। तो क्लच और फ्लाई व्हील के बीच में फ्रिक्शन सरफेस होता है, ठीक है। अब ये नहीं भी घूमना जाएगा, ये घूमेगा तो स्लिप नहीं हो सकता, तो फिर इसको मजबूरन घूमना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन में ये क्या होता है, जब हम प्रेस नहीं करते किसको, क्लच पेडल को, तो एंगेज पोजिशन होती है, एंगेज पोजिशन होती है। अब ये मत बोलना कि सर इंजन चालू करते हैं गाड़ी तो तब तो चलती नहीं है, क्लच भी नहीं दबाते, तब तुम न्यूट्रल में रहते हो, शाफ्ट तुम्हारी आगे कनेक्ट ही नहीं है व्हील से, बाद में जब गियर बॉक्स में आएंगे तब हम देखेंगे, ठीक है ना, वो न्यूट्रल है। क्या गियर में छोड़ सकते हैं क्या हम बिना क्लच दबाए, नहीं छोड़ सकते ना, क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एंगेज है, इंजन चलेगा तो पहियों को चलना ही पड़ेगा, आप ब्रेक मारोगे तो इंजन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, अब अगर मुझे गियर चेंज करने हैं तो मैं चलती शाफ्ट पे अगर एक दूसरे गियर्स को आपस में लेके आऊंगा तो चलते चलते गियर फंसेंगे, टूट सकते हैं, टूट सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले इस शाफ्ट को स्लो करना है, स्लो करना है मतलब जो दम दे रही है, जो पावर दे रही है, उस शाफ्ट से पहले तो मैं इसको हटा दूं। अब मेरी इंजन वाली शाफ्ट हटाने के बाद मेरी इंजन वाली क्लच जो गियर बॉक्स वाली शाफ्ट है वो स्लो हो जाएगी,
अब उसको कोई पावर नहीं दे रहा, अब मैं रोकना चाहूं तो रुक जाएगी या फिर मतलब स्लो हो जाएगी। अब मैं कम स्पीड में गियरों की शिफ्टिंग करूं तो नुकसान होने के चांस कम है, टूट फूट के चांस कम है, मतलब एक तरीके से मेरी लाइफ ज्यादा रहेगी कंपोनेंट्स, वियर टियर कम होगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, पहले ब्रेक करता हूं जो कनेक्शन होता है, डिसएंगेज करता हूं इनको, पावर का ट्रांसमिशन रोकता हूं, फिर उसके बाद मैं गियर चेंज करता हूं। गियर चेंज हो गए, अब वापस इनको जोड़ दो, तो अब ये इधर कनेक्शन आ चुका है, वापस व्हील्स तक पावर जाने लग जाएगी। ये वाला काम है एंगेज डिसएंगेज का, ये क्या करता है, क्लच करता है। अब कैसे, जैसे ही आप क्लच पैडल प्रेस करते हो, जो हमको दिखता है वो क्लच नहीं है, वो क्लच पैडल है, जैसे गियर वो नहीं होता जो ऊपर डंडा दिखता है, वो गियर चेंज करने के लीवर है, लीवर अवेलेबल कराया हुआ है। गियर्स तो अंदर, गियर तो वो खांचे जो आपको दिखते हैं ना जिगजैग फॉर्म में, पहिए के चारों ओर लगे हुए, वो खांचा है गियर को। तो क्लच वो नहीं है जो हमको दिखता है, वो क्लच पैडल है। उस क्लच पैडल की मैकेनिज्म ऐसी बनाते हैं हम कि जैसे ही उसको प्रेस करें ये अपने आप दूर हो जाए, और जैसे ही हम छोड़े चिपक जाए। तो नॉर्मली छोड़ के रखते हैं मतलब चिपका हुआ रहता है, जब हमको हटाना होता है हम प्रेस कर देते हैं। पहले ये मैकेनिज्म से होता था, मैकेनिकली जो मैकेनिज्म देते थे इसलिए वो हार्ड होता था, इसीलिए आपने देखा होगा ट्रक वाले क्लच दबाने या ब्रेक दबाने के लिए खुद खड़े हो जाते थे, बहुत हार्ड मतलब मेहनत करनी पड़ती थी, बड़ा टफ होता था वो टास्क। धीरे धीरे हाइड्रोलिक सिस्टम आने लगते, अब हम क्या करते हैं, दम तो अब भी लगाते हैं लेकिन अब दब लगाता है कौन, हाइड्रोलिक प्रेशर। हम उसको ऑपरेट करके सिर्फ हाइड्रोलिक वाल्व को ऑपरेट करते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर देना है थोड़ा सा ज्यादा दबा दो वाल्व ज्यादा खुल जाएगा, बाकी का काम हाइड्रोलिक प्रेशर कर लेगा दम लगाने का। लेकिन मेन फंडा वही है, किसी ना किसी को तो दम लगाना है, हाइड्रोलिक प्रेशर इंजन से ही खाएगा, पावर कहां से खाएगा, पहले इंजन से उसको पावर नहीं देते थे तो गाड़ी चलाने में पावर आती थी। तो कंफ्यूज मत होना, कुल मिलाकर मकसद इसको दबा के इसको अलग ये करना। अब ये कैसे अलग होता है उसको देखते हैं। यहां पे देखो ये गियर बॉक्स शुरू हो चुका है मेरा, ये जो दिख रहा है ना ये गियर बॉक्स शुरू हो चुका है मेरा, इस पर सारे गियर अटैच है, बड़ा छोटा छोटा। अब देखो ये तो है मेरी इनपुट शाफ्ट, फिर आवश्यकता अनुसार मैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं और ये वाली शाफ्ट मेरी घूम जाती है, ये है मेरी आउटपुट शाफ्ट। तो गियर बॉक्स में एक इनपुट शाफ्ट होती है एक आउटपुट शाफ्ट होती है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे काम कर रहा है, अभी पावर यहां से यहां आ रही है। अब देखो ये वाला मशीन में है फिर इससे जा रहा है, अभी देखते हैं अपन गियर कैसे बदलेगा, तो खुद समझना आएगा। ये इधर से जा रहा है, अब देखो ये बदल रहा है ना, ये उधर ले गया, देखते जाओ इस क्लच को, ये लाया इसको पकड़ के इधर लाया, कर रहा है, ठीक है। अब मैंने ये बताया था कि जब भी मुझे गियर बदलना है तो मैं चलते हुए बदलूंगा, तो एक चलते हुए में खांचे आएंगे तो टूटने का डर है, तो मुझे क्या करना है, पहले स्लो करना है, स्लो करने के लिए डिसएंगेज कर लूं इस शाफ्ट को, स्लो कर लूं ताकि इससे जो टच में है वो भी स्लो हो जाए, तो जो फ्लाई व्हील है उससे कनेक्शन डिसएंगेज कर लूं, ये काम करता है मेरा क्लच। तो इस पर्पस को इजीली करने के लिए, गियर आसानी से चेंज करने के लिए क्या डालते हैं हम, क्लच। अब ये वाला क्लच, अब मैं इसको बीच में लगा रहा हूं क्योंकि ये दिक्कत आती है तेज स्पीड में, लगा रहा हूं क्लच, ये लाए बीच में लगा दिए क्लच। अब उससे पावर पहले क्लच में आएगी, क्लच इसको भेजेगा, फिर हमको जहां जो शिफ्ट करना है करते रहेंगे, हो रहा है शिफ्ट। जब हमें गियर बदलना हो, देखो ये बता रहा है, ये क्या है मेरा क्लच की प्लेट है, जिसको अपन बोलते हैं ना क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट है ये। अब क्लच प्लेट पे ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना किनारों पर, ये फ्रिक्शन मटेरियल, जो मैंने बोला था ना फिसल नहीं चाहिए, लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन मटेरियल, फिसल जाएगी, तो ये फ्रिक्शन मटेरियल है। अब ये चल रहा है फ्लाई व्हील, ये है, अब तुमने इसको डिसएंगेज कर दिया, गियर बदला, वापस एंगेज किया, तो लगातार फ्लाई व्हील को घूम रहा है। अब ये चलते चलते पे या तो ये स्थिर आके टकराएगी या फिर ये कम टकराती, मतलब रिलेटिव मोशन तो है, थोड़ा सा घर्षण तो होगा, इसलिए क्लच प्लेटें धीरे धीरे घिसती जाती है, घिसती जाती है, घिसती जाती है। बाद में जब फिर अपना क्लच काम नहीं करता प्रॉपर, वो मैकेनिक बोलता है तुम्हारी क्लच प्लेट घिस गई, क्लच प्लेटें चेंज हुई, उसका मतलब क्या, ये फ्रिक्शन मटेरियल तुम्हारा घिस चुका है और स्लिप हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो क्लच प्लेट पर फ्रिक्शन मटेरियल का पता ही मीनिंग क्या है, क्यों लगा है, समझ में आ रहा। अब आगे बढ़ते हैं, फ्रिक्शन मटेरियल है, ठीक है ना, अब देखो सिर्फ फ्रिक्शन मटेरियल लगाने से थोड़ी ना काम चलेगा, ये फ्रिक्शन मटेरियल है, दबा के रखना पड़ेगा ना,
दम लगाएंगे वरना ये फ्रिक्शन मटेरियल फिसल जाएगा, दबा के रखना पड़ेगा तभी तो घूमेगा, तो उसके लिए कुछ फोर्स अप्लाई करता रहना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं इसकी पैकिंग इस तरीके से रखते हैं कि उनमें स्प्रिंगें लगाते हैं, और अगर मैं बीच में स्प्रिंग लगा दूं और कवरिंग को टाइट कर दूं तो स्प्रिंग दबेगी, तो स्प्रिंग अपने आप दबा के रखेगी। जुगाड़ है, कुछ नहीं है, देसी जुगाड़ है, ठीक है ना, हाई फाई चीजों से घबराना नहीं है, सब में कॉन्सेप्ट बेसिक होता है। तो इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। अब प्रेशर लगाने के लिए देखो क्या क्या यूज करते हैं, ये कुछ मतलब समझना है, इसको ज्यादा कुछ नहीं है, इनपुट ट्रांसमिशन है। ये इस शाफ्ट पर देखो ये क्या है, क्लच प्लेट पर मैंने शाफ्ट लगा दी, यही शाफ्ट मेरी क्लच की आउटपुट है, आगे भी तो चुटकिया लगानी है मुझे, तो वो इस पे लगाऊंगा, ये घूमेगा तो वो घूमेगा, ये नहीं घूमेगा तो वो नहीं घूमेगा, इसलिए खांचे फंसा रखे ताकि वो घूमे, वो मेरी आउटपुट शाफ्ट, ठीक है भाई। इस शाफ्ट पर मेरे को किसी दूसरे को कनेक्ट करना है तो इसमें ग्रूव काटना पड़ेगा ना, वरना शाफ्ट से शाफ्ट मिलाना तो फिसलना भी हो सकता है, ग्रूव तो काटना पड़ता है की वे, तो ठीक है। तो ये ऐसे ही बता रखा है कि वो उस पर शाफ्ट लगा दी, ट्रांसमिशन को जारी आगे। अब ये फ्लाईव्हील घूम रहा है, क्लच घूम रहा है, जारी पावर आगे, ये नॉर्मल पोजीशन है, इंगेज पोजीशन है, ठीक है ना। अब देखो ये कवर है, इसको ऊपर लाके लगाऊंगा। अब ये क्यों लगाना जरूरी, क्योंकि मेरे को प्रेशर लगाना है, प्रेशर लगाने के लिए स्प्रिंग को लगाना पड़ेगा। तो हम क्या जुगाड़ करते हैं, देखो अब इस कवर में तुमको ये जो दिख रही है ना, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग का मतलब हमेशा वो वाली नहीं होती, स्प्रिंग्स कई तरीके की होती है, कमाने भी होती है, ये भी होती है, ये वाली स्प्रिंग यूज कर रहे हैं। अगर मैं किसी इस प्रकार के डंडे को दबाऊंगा तो क्या धक्का नहीं मारेगा क्या, तो आवश्यकता है उसको कुल मिला के यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी। अब मैं इसको टाइट कर दूंगा तो इसको दबाएगी, ये वाली तो इस पर टच करेगी ना तो ये दबाएगी, तो वो प्रेशर बनाए रखने के लिए हमने क्या लगा दिया साहब, ये इस कवरिंग को इस प्रकार से अब इसको लगा दूंगा मैं, इसके ऊपर लगा दिया, अब ये कस दिया, कस दिया तो ये दबेगी, ये दबी तो अब ये किसको दबाएगी, ये तो बाहर नहीं जा सकता, क्लच प्लेट को ही दबाएगी, तो क्लच प्लेट पर प्रेशर है। अब मेरा सिर्फ जुगाड़ इतना है कि नॉर्मल अवस्था में तो इसने दबा के रखा, दबा के रखा मतलब एंगेज करके रखा। अब जब मुझे गियर बदलना है या डिसएंगेज करना है तो मेरा मकसद क्या है कि मैं प्रेशर हटा दूं भाई, एंगेज करने के लिए मैं प्रेशर लगा रहा था वरना डिसएंगेज था, एक तरीके से मैं बोल रहा था ना फिसलेगी। अब मैं अगर प्रेशर हटा दूं तो डिसएंगेज होगी, तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं क्लच प्रेस करता हूं क्लच पेडल, तो क्या करता हूं मैं मैकेनिज्म ऐसी रखता हूं कि वो ये वाली जो गुट्टी है ना इसको खुद बैग दबा ले, मतलब इसके द्वारा जो लोड क्लच प्लेट पर आ रहा था उसको खुद ले ले मैकेनिज्म आगे, तो इस पर लोड नहीं आएगा, तो इस पर लोड नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरा क्लच थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, डिसएंगेज हो जाएगा, समझ आ रही है। अब ये वो थोड़ी सी मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये इसको डायफ्राम प्लेट बोलते हैं, देखो इसमें कुछ नहीं है, ये प्लेट है ना थोड़ी सी उठी सी हुई है, ऐसे है, अगर तुम साइड से देखो कि उठी सी प्लेट है। अब मैं उठी सी प्लेट को साइडों से कसूंगा और इसको नीचे लाने की कोशिश करूंगा, दबाएगी ना, कुल मिला के स्प्रिंग वाले फंक्शन कर दिए सब, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, मेन फंक्शन वही है कि कोई ना कोई चीज से हम दबा के रखते हैं। ये देखो ये दबा दिया, प्रेशर लग गया। अब इसने क्या किया, ये डायफ्राम प्लेट लाया है ना, अब इस डायफ्राम प्लेट को इसने लगा दिया यहां बीच में अंदर। अब जब मैं क्लच पेडल प्रेस करूंगा तो ये डायफ्राम प्लेट क्या करेगी, ये लोड अपने ऊपर ले लेगी, वो थी ना स्प्रिंग्स, अब वो लोड, अब मैं क्लच पेडल प्रेस करूंगा तो मैं इसको प्रेस करूंगा, इसको प्रेस करूंगा तो साइड वाला हिस्सा ऊपर आएगा उठ के, ये दबेगा तो ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो मतलब क्लच प्लेट पर से प्रेशर हट गया, डिसएंगेज हो गई, ये वही बता रहा है। अब मैं ये काम कैसे करता हूं, क्लच पैडल से, क्लच पैडल दबाया, हाइड्रोलिक वाल्व ऑपरेट हुआ, हाइड्रोलिक दम लगा, ये दबा तो पीछे वाला बाहर आया, देखना भी, फिर ये क्लच पैडल छोड़ा, फिर पावर शुरू हो गई, तो आ गया ना वापिस उस पर लोड, वापिस पावर शुरू हो गई। अब क्या होता है, ये स्प्रिंग्स क्यों लगाई हुई है, देखो जो क्लच प्लेट होती है ना उसमें ये स्प्रिंग्स लगी होती है, ये क्यों लगी होती है, फ्लाई व्हील तो घूम रहा है, अगर ये अचानक से कम तेजी से घूमती हुई या फिर स्थिर से घूमती हुई आएंगे तो जर्क लगेगा भाई, मैं चलती हुई चीज के कोई पास में लाऊं झटका नहीं लगेगा क्या, तो गाड़ी मेरी झटके से उठेगी। तो इस जर्क को कम करने के लिए या इस जर्क को बर्दाश्त करने के लिए हमने क्या किया, बीच में स्प्रिंग्स लगाया। अब ये फ्रिक्शन प्लेट पर अगर कोई जर्क भी आया तो ये स्प्रिंग क्या होगी, थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी और फिर सिकुड़ के लोड को धीरे धीरे ट्रांसफर करेंगे, अभी देखना ये बताएगा इसमें सुखड़ेगी।
समझ रहे हो ना तुम, इसीलिए इसको इस डायरेक्शन में लगाया। अभी स्प्रिंगों को देखना खाली, तो उस जर को कम करने के लिए ये अंदर स्प्रिंग लगी हुई है, ये दबी, अब फिर उसने पीछे को धीरे धीरे पावर ट्रांसफर किया है ना, तो जर्क नहीं आता आपने, फिर क्लच प्लेट घूमने लग गई। तो सबका मीनिंग है, ठीक है, समझ में आया स्प्रिंग क्यों लगाई? वो दूसरे वाली डायफ्राम क्यों थी? वो डिसएंगेज करने के लिए थी, जर्क लेने के लिए। अब क्या है, कभी गाड़ी रोकनी तो हमको क्या करना पड़ेगा? गाड़ी रोकनी तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इंजन से कनेक्शन हटाओ, वरना इंजन चल रहा है गाड़ी रुक नहीं सकती, तो क्लच दबाना पड़ेगा, डिसएंगेज करो। दूसरा, गाड़ी मोमेंटम से भी तो घूम रही, ब्रेक दबानी पड़ेगी। तो यही बता रहा है, कभी गाड़ी रोकनी होगी तो क्लच भी दबाना है, ब्रेक भी दबाना है। पहियों को रोकना है ना अल्टीमेट मकसद, पहिए कब रुकेंगे? चलते चलते उनको रोको और आगे से पावर आना रोको, ठीक है। अब वापिस गाड़ी उठानी है और हम खड़े हैं चढ़ान पर, तो अगर आप ब्रेक हटा दोगे तो गाड़ी कहां जाएगी? पीछे जाएगी। अगर आप ब्रेक नहीं हटाओगे, आप क्लच हटाओगे तो एंगेज होगी, लेकिन आपने ब्रेक दबा रखा, गाड़ी चल ही नहीं पाएगी, इंजन पे लोड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, आप धीरे धीरे एंगेज भी करो तो पावर भी आना शुरू हो, और धीरे धीरे आप ब्रेक भी हटाओ ताकि उसको फ्रीडम भी मिले आगे जाने। अपील के टाइम पे ये करना पड़ता है, शुरू करना पड़ता है, समझ में आया? क्लच बाइट बिल्कुल बोलते टच कर करके छोड़ना, जो बटन बोलते ना हाफ क्लच, ठीक है। तो कभी अगर ऊपर चढ़ाना हो तो इस तरीके से चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो क्लच का फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अभी इसको तो कर देते हैं बंद, बाकी मेरी तरफ से इंजन खत्म हो चुका, फ्लाई व्हील खत्म हो चुका, क्लच खत्म हो चुका, गियर बॉक्स भी बता दिए हैं, एनिमेशन और दिखा।